मालवीय नगर जो सिवान के सबसे पॉश इलाका है, सबसे स्टैंडर्ड लोग के इलाका है, सबसे पढ़ल लिखल, सबसे पैसा वाला, सबसे पावरफुल लोग के इलाका है, आई नरक बनल बा। तार ठोके कहत नहीं कि नगर परिषद के लुटेरा लोले बढ़िया गांव के मुखिया बने, लुटेरा वो हुआ लेकिन ठीक बने। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभी जब जहां हम खड़ा बनी ये पानी में छिपिर छिपिर पानी बनी काहे कि गहिर होने बा पीछे रुआ देख सकतनी, यू जगह हो, यू मोहल्ला हो जहां पर सिवान के सबसे स्टैंडर्ड लोग रहेला, जहां पर सिवान के सबसे पढ़ल लिखल लोग रहेला, जहां पर सिवान के सबसे पैसा वाला लोग रहेला, जहां पर सिवान के सबसे पावरफुल लोग रहेला। पीछे गाड़ी आ रहल बिया और ओकर हालात रुआ देख ली। देखी पानी लेके आवतिया, अब पानी में पानी लेके आवतिया, ये पिए वाला पानी लेके आवतिया गाड़ी। और देखी हेने जा रहल बिया भाई, बच्चा एगो स्कूल से लौट के चलल बा, जा पढ़ के आवत हुई कोचिंग से चाहे जात हुई हेने अगवा कोचिंग सेंटर बाड़ी सो, और हम रुआ के हेने घुमा के देखा दी है। देखी पीछे जन होते घर लौकता, होते एगो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा बिया, उ घर जन हटे उ पूर्व सांसद और वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी के घर है। ई मालवीय नगर है, मालवीय नगर जो सिवान के सबसे पॉश इलाका है, सबसे स्टैंडर्ड लोग के इलाका है, सबसे पढ़ल लिखल, सबसे पैसा वाला, सबसे पावरफुल लोग के इलाका है, आई नरक बनल बा। मने यहाँ 80 लाख 90 लाख 70 लाख एकरा आसपास के जमीन बा कट्ठा के, उतना के खरीदी 50 लाख के घर बनवाई आ बहरी सीधे मोरी में, सीधे पाकी में, सीधे हगल में, मुतल में गोड़ रखी। मैंने घर से शुद्ध होकर निकली आ तुरंत ही हम आके अशुद्ध हो जाई। हमें थोड़ी देर खड़ा हो जाई तो गोड़वा कुबकुबाए लगी, कलकल हो जाई, खुजली हो जाई, न जाने कौन कौन बीमारी पकड़ी, ई पता ना। ई ऊ है सिवान हो और सिवान के मालवीय नगर हो। और सबसे बड़हन बात जान ली, एने खाली पावरफुल पैसा वाला पढ़ले लिखल ना, ये पत्रकार लोग के भी इलाका हो। इन्हें बड़का बड़का पत्रकार ढेर जाना रहेले, जे लोग सिवान के न्याय दिलावे के और सिवान में बदलाव लियावे के दावा करेला, वो पत्रकार लोग के भी इलाका हो आ उ लोहे नरक में रहेला। ई सिवान के ड्रेनेज व्यवस्था हो, ई सिवान के नगर परिषद के व्यवस्था हो, जहाँ नाली बनल बा, में कोनो दूर है नहीं के जहाँ नाली नहीं बनल, नाली बनल बा लेकिन नलिया के पनिया ऊपर आ गई बा। ई बरसात हो रहल बा और ई बरसात के स्थिति बाटे, आई पहला साल ना हो, ई कोनो नयापन नहीं भइल आज, ई बहुत पहले से होत आवता कि एजा पानी लागेला, हेजा शिक्षा विभाग के ऑफिस रल, हालांकि वो हट के मेन रोड पर चल गेल बा। तो थोड़ा सा भलाई भाई, देखी भाई के गाड़ी जोन बिया वो धोआ रहल बिया, अगर रुकावल जाए तो यहाँ के ढिमला जाए तो हमारे प्रॉब्लम आई, तो हम ही चाहे ना वहाँ के रोकी। और देखी पैदल चले वाला लोग मजबूर बटे रिक्शा से आवे खाती, काहे कि पैर सड़ी तो बीमारी धोली, चूंकि पैसा वाला लोग रहे इन्हें तो भाई गाड़ी से पार हो जाए। लेकिन वही में बहुत सारा ऐसनों लोग बा, खास करके महिला लोग बा, जो पैदल है पड़े जाए खाती आवे खाती मजबूर बा। देखिए उन्हें पीछे लाल बोर्ड लागल बा, माने प्रशासन के गाड़ी हुई, शायद बिहार सरकार ऊपर लिखल बा, जिला प्रशासन लिखल बा, कौन साहब हई हमरा नहीं पता, लेकिन उस साहेब इन आवतनी माने इनिए रहत होके, आ उस साहब भी यही मुरिया पड़े, यही पनिया पड़े, यही होगना अट्टी पड़े हेले खाती मजबूर बनी। अंदर यहाँ के बैठल बनी, कौन साहब हई हम पूछू ना जाए, हमारा फर्को नहीं पड़त। देख ली व्यवस्था है ने, चाचा एगो खड़ा होके पता ना का इंतजार करता नहीं, देखो तनी फोन से बतियावत नहीं। देखी यहाँ के जूता तो पहन ले बनी, लेकिन हाफ पैंट पहन के जाता नहीं, कहे कि फूल पहन ले रहे हम
तभी सके नहीं चचा लपटा जाए गिर जाए जी। हाँ तो कितना दिन से ऐसा व्यवस्था बा कई साल से 10 साल से हम रहते 11 साल से तो देखा था नहीं। 10 साल पहले घर बना रहे कि उकरा पहले ढेर पुरान ना 10 साल 11 साल पहले। हाँ लेकिन अभी तो बड़ी महंगा एरिया है बहुत बड़का बड़का जो लोगो रहे बहुत बड़का बड़का तो माने 1 करोड़ के लगभग जमीन किन के घर बनवा के या है मोरिया पड़े पार होखी। हाँ ये व्यवस्था नगर परिषद के नु नगर परिषद के तो मत कहीं। हाँ बिहार के जो दशा दुर्दशा मानू जी का कहे। जैसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जाइए आप प्लॉटिंग करके 30 फीट के 20 फीट के रोड नाला निकाल करके तब जमीन बेचता है जी। आ यहाँ घर से आओ तो लोग खेत बेच के ज्वाइंट परिवार में बा लड़का पढ़ावे का बहाना बा घर से के खाना बनावे पड़ी जाए 2 आदमी के डबकावे के पड़ी। आ 4 फीट के रोड वाला जमीन किन के मान लीजिए कि ये प्लॉट है तो इसमें आप 4 फीट दे दीजिए बगल वाला वो देगा आपको रास्ता तब ना आप जाइएगा। ना ना ठीक बा है तो 15 फीट बा नू 15 फीट में सिर्फ 20 फीट के आसपास ना ना 50 फीट बा कैसन फीट वाला देखी ना मैंने कितना फीट बा रहुआ अंदाज 15 फीट 15 फीट तो 15 फीट में तो गजन है बा 15 फीट मेन रोड नू हो मेन रोड है करा रही चाहे 30 फीट। अच्छा तो 30 फीट तो हम के हो रोड नालो निकल गई। हां और नाला निकल बा तब पानी ऊपर बा हां अगर लोग कर चली तू तो रोड में से 2 फीट धो ली तो अपना में से ना छोड़ जी। हां तो माने दोष प्रशासन से बेसी लोगों के बा सब कर बा सब कर बा। हां प्रशासन के तो बोल ले बा लोगों के बा जी। चलिए चाचा का नाम भी सही बटे कि प्रशासन के दोष बटे जे विकास खातिर जिम्मेवार लोग बा जे नाला नाली के व्यवस्था करे खातिर जिम्मेवार लोग बा उ तो कैले नहीं खे लेकिन लोगो कम नहीं खे। चाचा जी से कहता नहीं कि लोगो कम नहीं खे एकदम से देख ली हमरा इंटरेस्टिंग ऐसे लागल हनु हमरा कोनो गजन नहीं खे हम गाँव में रहे नहीं आ गौवा हेकरा से बढ़िया बा ताल ठोके कहता नहीं कि नगर परिषद के लुटेरा लोले बढ़िया गाँव के मुखिया बने लुटेरा वो हवन लेकिन ठीक बने हेंगो ना हेले के पड़ेला हेंगो पनिया एकाध जगह मिलेला आ वैसन जगह पर आउ ना मिलेला जहाँ 70-80 लाख रुपया कट्ठा जमीन बेचा थोके उतना महंगा किन के आ ओकरा बाद हे पड़े हेले के पड़े वो एक्स एमपी के मोहल्ला है। हाँ हाँ बस पिछले घर बा। हाँ देखिए एक्स एमपी जी के मोहल्ला हटे आ एक्स एमपी जी ना एजा कई गो प्रमुख से लेके जिला परिषद से लेके अधिकारी से लेके डॉक्टर वकील मन कहल का जाओ ढेर सारा लोग जोन बा पैसा वाला पावरफुल प्रशासनिक व्यवस्था में पत्रकार लो सब लोग बा लेकिन है नरक पड़े निकले खाती मजबूर बा। अब बड़का लोग के लगे तो 4 चक्का भी आ फुर्र दे स्टार्ट हुई सूर्य दे निकल जी पानी के तनो खो लेकिन छोटका लोग बा ए लोग के लुटलका के भरपाई एजा कर रहल बा। ई हम जानतनी बाकी जगह होने नु 40-45 रुपया दूध मिलेला हेजा का 55 रुपया दूध मिलेला काहे कि पनिया पड़े पकिया पड़े हेले पड़ला तो दूध वाला के रेट बढ़ जाला माने इतना पानी बा। अब हम का कहें हम तो गाँव में रहनी भाई हम सुखी बानी खुश बानी एजा के लोग के हमारा से दुख देखल ला गए हम हंस तनी तो बुरा मत माने अगर वह अपना आप के कनेक्ट करत हो कि और वह लागत हो कि सिवान की शान सिवान के सबसे पौशिल इलाका सबसे बढ़िया इलाका सबसे संभ्रांत इलाका अगर हतना गजन में जियता तो बाकी इलाका के का हाल हुई रउआ जान सकत नहीं। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई ताकि देख ले लो उस सारा लोग जे लोग हेकरा खातिर जिम्मेवार बा जे लोग हेकरा खातिर कुछ नहीं खे करत जे लोग लूट के माल छपले बा माल चाप गई बा टगड़ा के अंदर लेके चल गई बा लो देखो लो वो लोग कहीं लाज लागे। आ सिवान के नगर परिषद तो भाई जिंदाबाद हो नगर परिषद के बारे में तो कुछ बोलबे मत करी ड्रेनेज व्यवस्था तो है अति उत्तम नोबेल पुरस्कार देवे के चाहिए यहाँ लोग के। रिपोर्टिंग देखनी मैच बॉक्स के कैसन लागल अपन प्रतिक्रिया दी और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली।